श्री जी फूड, मैं हूँ मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे एक फेमस गुजराती सब्जी जिसका नाम है दाना मुखिया की सब्जी। ये विंटर की स्पेशल सब्जी है और खास करके ये मैरिज फंक्शन में या फिर रेस्टोरेंट में इस तरह की सब्जी सर्व की जाती है। ये बहुत ही टेस्टी है और साथ ही में इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम इसके लिए मुखिया कैसे तैयार करना है वो देख लेंगे। तो एक बॉल में मैंने एक कटोरी गेहूं का जो दरदरा पिसा हुआ आटा आता है वो लिया है। इसी के साथ हम इससे आधी क्वांटिटी में यानी कि आधी कटोरी बेसन ले लेंगे। एक बड़ा चम्मच हम इसमें सूजी डालेंगे। यहाँ पे मैंने बारीक सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बड़ा वाला सूजी है तो उसे आप मिक्सर में पीस के फिर डालें। आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, चुटकी भर हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और चुटकी भर गरम मसाला डालेंगे। दो चम्मच चीनी डालें। चीनी आप चाहे तो कम ज्यादा कर सकते हैं। एक बड़ा चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन भी इसी के साथ आप पीस के डाल सकते हैं। दो बड़े चम्मच हम मोयन के लिए तेल डालेंगे और दो चम्मच तेल डालेंगे जिसे मैंने कच्चा ही इस्तेमाल किया है। पहले इसे थोड़ा मिक्स कर ले। अब चुटकी भर हम इसमें खाने का सोडा डालेंगे। इसी के साथ एक कटोरी कटी हुई मेथी की भाजी और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। एक बड़ा चम्मच नींबू का रस डालें और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हमने दोनों भाजी को धो के इस्तेमाल किया है और इसी के साथ नींबू का रस डाला है तो उसका जो मॉइस्चर होता है उसी से ये आटा थोड़ा तो लग जाता है। ये मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें जरूरत अनुसार पानी डालकर इसका आटा लगाकर तैयार कर देंगे। तो अब मैंने 1/4 कप पानी लिया है। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका आटा लगाकर तैयार कर देंगे। इसका आटा ज्यादा सख्त भी नहीं और सॉफ्ट भी नहीं, उस तरह का हम रखेंगे। और अभी जो हमने मेजरमेंट लिया है उससे छोटे छोटे 15 से 20 मुठिया के गोले इससे बनकर तैयार होते हैं। तो इतनी क्वांटिटी में मैंने 1/4 कप पानी इस्तेमाल किया है। पानी आटा जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड होता है, कई बार एक आध चम्मच प्लस माइनस हो सकता है। तो इस तरह का मीडियम सॉफ्ट आटा हमें लगाकर तैयार करना है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रहने देंगे। 5 मिनट के बाद फिर से हम इसे मसल के फिर इस्तेमाल करेंगे। अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगा दें और इसमें से छोटे छोटे गोले बनाकर तैयार करें। तो इस तरह से सारे गोले बनाकर हम तैयार कर लेंगे। हमें इसे स्टीम करना है तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। उसमें इस तरह का जाली वाला बर्तन रखें, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दें और जो मुखिया के गोले हमने बनाए हैं वो रख देंगे और बर्तन का ढक्कन लगाकर हम इसे मीडियम आंच पर 10 से 15 मिनट तक स्टीम होने देंगे। अब एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रखें। जब पानी गर्म हो जाए तब इसमें 20 से 25 पालक के पत्ते धो के डाल दें। अब इसे हाई फ्लेम पर हमें 2 मिनट के लिए ब्लांच करना है। पालक को ब्लांच होने में ज्यादा समय नहीं लगता, तो आप देख सकते हैं 2 मिनट में ही पालक अच्छी तरह से ब्लांच हो गया है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम छन्नी में निकालकर ठंडा होने के लिए रखेंगे। 15 मिनट हो गए हैं तो जो मुखिया हमने स्टीम करने के लिए रखे थे उसे भी चेक कर लेते हैं। तो मुखिया स्टीम हो गया है, इसे भी हम नीचे उतार लेते हैं। अब हमें एक पेस्ट बनाना है तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सर जार लिया है। उसमें हम 8 से 10 हरी मिर्च और एक छोटा अदरक का टुकड़ा डालकर उसे पीस लेंगे। आप अगर लहसुन खाते हैं तो इस टाइम पर 50 ग्राम जितना आप चाहे तो फ्रेश लहसुन या फिर अगर सूखा लहसुन इस्तेमाल करते हैं तो 6 से 7 कली सूखा लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम जितना फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और 20 से 25 पुदीने के पत्ते लिए हैं। इसी के साथ जो पालक हमने ब्लांच किया था उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब 2 चम्मच जितने हम रोस्टेड तिल और 3 चम्मच जितने रोस्टेड मूंगफली के दाने लेंगे। अब इसे हम पीस कर तैयार कर लेंगे। जरूरत लगे तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच जितना पानी भी डाल सकते हैं। अब ये सब्जी हम कुकर में बनाने वाले हैं तो यहाँ पे मैंने 5 लीटर का कुकर इस्तेमाल किया है। उसमें हम पहले थोड़ा तेल डाल देंगे। तेल जब गर्म हो जाए उसके बाद जो मुठिया के गोले हमने बनाए हैं वो इसमें डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको मुठिया बनाने के लिए 2 मेथड बता रही हूँ। पहले जो हमने स्टीम किया उस तरह से, और दूसरा आप इस तरह से डायरेक्ट फ्राई करके भी ये मुठिया सब्जी में ऐड कर सकते हो। तो मुठिया को हमें मीडियम फ्लेम पर इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। अब जो मुठिया हमने स्टीम किया था उसे आप चाहो तो ऐसे ही सब्जी में डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने जो स्टीम किया हुआ मुठिया है उसे भी थोड़ा तेल के साथ सौते कर लिया है।
ताकि उसका ऊपर का लेयर थोड़ा क्रिस्पी हो जाए और मुठिया खाने में अंदर से एकदम सॉफ्ट रहे। लेकिन यह प्रोसेस कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप डायरेक्ट स्टीम किया हुआ मुठिया भी डाल सकते हो और डायरेक्ट फ्राई किया हुआ मुठिया भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये मुठिया भी फ्राई हो गया है, इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। सब्जी में हमें इतना सारा ऑयल नहीं चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल इस्तेमाल किया है, यानी कि अराउंड 100 से 125 ग्राम जितना तेल मैंने इस्तेमाल किया है। तेल गर्म ही है, तो इसी के साथ हम सूखी मिर्च और एक तेज पत्ता डाल देंगे। 2 छोटे चम्मच हमें अजवाइन लेनी है, अजवाइन को हम हाथ से थोड़ा मसल के डालेंगे। यहाँ पे हमने दाने का इस्तेमाल किया है, तो जब भी आप दाना वाली कोई सब्जी बनाते हैं तो उसका तड़का अगर आप अजवाइन से लगाएंगे तो वो सब्जी इजीली डाइजेस्ट हो जाती है और उसी के साथ उसका स्वाद भी ज्यादा अच्छा लगता है। ये हमारा तड़का तैयार हो गया है। इस टाइम पे आप चाहो तो थोड़ा कटा हुआ लहसुन भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जो हमने हरा पेस्ट बनाया था वो हम डाल देंगे और इस पेस्ट को हमें मीडियम आंच पर अराउंड 2 मिनट तक भून लेना है। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पेस्ट अच्छी तरह से भून गई है और उसके किनारों पर थोड़ा तेल भी दिखने लगा है। अब यहाँ पे मैं 1 बड़ा बाउल जो फ्रेश तुअर के दाने आते हैं वो मैंने लिए हैं और उसी के साथ आधी कटोरी जो सूरती पापड़ी के दाने होते हैं वो लिए हैं। इसे हम पेस्ट के साथ मिक्स कर लेंगे। दाने की क्वांटिटी आप चाहो तो आधी आधी भी रख सकते हो या फिर अपनी पसंद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो। अब इसमें मसाले करेंगे, तो सबसे पहले 1/2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। ये सब्जी हम ग्रीन कलर की बनाते हैं तो इसमें हम लाल मिर्च पाउडर या हल्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस सब्जी का थोड़ा मीठा तीखा और जो खट्टा टेस्ट होता है वो बैलेंस होके बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको सब्जी में चीनी का टेस्ट नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं या फिर कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हो। चीनी भी इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, तो अब हम सब्जी में गर्म पानी डालेंगे। यहाँ पे आपको गर्म पानी का इस्तेमाल करना है ताकि जो सब्जी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे और जो दाने हमने इस्तेमाल किए हैं वो भी कड़क नहीं हो जाएंगे। तो दाने के लेवल तक का पानी हमें इसमें डालना है। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और मीडियम आंच पर हम इसकी 4 विसल करके इसे तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैंने चैनल पर और भी कई तरह की अलग अलग उंधिया की रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया है, तो अगर आप वो रेसिपी देखना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं। 4 विसल के बाद कुकर ठंडा हो गया है, तो इसे हम चेक कर लेते हैं। सब्जी को मैंने मिक्स कर लिया है, दाने को भी चेक कर लेते हैं कि वो अच्छी तरह से बॉईल हुए हैं कि नहीं। तो एक दाना ले ले और उसे आप हाथ से दबा दे, वो आसानी से दब जाए तो समझना कि ये सब्जी अच्छी तरह से बॉईल हो गई है। अगर दाने कड़क है तो आपको फिर से उसमें थोड़ा पानी डालकर 2 विसल करके उसे तैयार कर लेना है। और आप अगर ये सब्जी कढ़ाई में बना रहे हैं तो आप पहले सिर्फ हल्दी नमक डालकर कुकर में दाने की 2 विसल करके फिर आप ये सब्जी कढ़ाई में भी बना सकते हैं। दाने जब अच्छी तरह से पक जाए उसके बाद जो मुठिया हमने स्टीम करके फिर थोड़ा फ्राई किया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसी के साथ जो डायरेक्ट फ्राई किया हुआ मुठिया है उसका हम इस तरह से चूरा करके डालेंगे। जब आप इस तरह से मुठिया का चूरा करके सब्जी में डालोगे तो सब्जी की ग्रेवी भी गाढ़ी बनती है, उसी के साथ उसका स्वाद भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो अराउंड 3 से 4 जितना मुठिया मैंने इस तरह से चूरा करके डाला है। मिक्सी में ही थोड़ा पानी डालकर इसमें पानी ऐड करना है क्योंकि जो मुठिया हमने डाला है उसे भी हमें थोड़ा पकाना है। तो अराउंड 1/2 कप जितना आप इसमें पानी डालें और फिर आप चाहो तो इसकी 1 विसल भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं इस तरह से ढक्कन लगाकर इसे 5 से 7 मिनट तक मीडियम आंच पर पकने देती हूँ। 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सब्जी में तेल भी ऊपर आ गया है और जो मुठिया हमने डाला है उसे भी चेक कर लेते हैं। तो ये मुठिया भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। मुठिया जितना सॉफ्ट होगा उतनी ये सब्जी ज्यादा अच्छी लगती है। अब हम गैस बंद कर देंगे और आखिर में हम इसमें थोड़ा नींबू का रस डालेंगे। अब ये सब्जी हम सर्विंग बॉल में ले लेंगे। आप इस सब्जी को पूरी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसे पराठे के साथ सर्व किया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर मिर्ची का अचार और छाछ सर्व किया है। अभी जो मेजरमेंट लिया उससे आप 6 से 7 लोगों को सर्व कर सको, उतनी सब्जी बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से आप भी ये सब्जी बनाकर जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।